दोस्तों, इस पूरे वीडियो को विस्तार से देखने के लिए आगे आपको मैं दिखा रहा हूं, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर 3 मिनट बाद नंबर आ जाएगा आपका। पूरा देखिए, वीडियो को फुल समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, आपका दोस्त, ज़िला बिजनौर, यूपी से। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, इस डोर की 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। एक अनकम्प्लीट था तब करी थी, और एक कम्प्लीट होने के बाद तब करी थी। और आज मैं इसको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो गोलाई है, ये हमने फ्रेम और दिले से ऊपर, ये आधा इंची की गोलाई ये ऊपर बढ़ा दी है। तो आज जो इसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक अलग नया लुक दिखाने जा रहा हूँ। जो ये गोलाई ली गई है, ये फ्रेम से ऊपर है, यानी दरवाजे से ऊपर उठा हुआ है। ये फालतू है ये जब ये गोलाई। तो जो पहला दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया है, अगर आपने देखा हो तो वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, या जो अब इस तरह से हमने इस दरवाजे को बनाया है, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी गोलाई दिख रही है। अच्छा, रही बात क्वालिटी की, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी दिखवा चुका हूँ कि क्वालिटी इसमें एक नंबर यूज़ की गई है, क्वालिटी एक नंबर लगाई गई है। तो क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये देख सकते हैं आप, जो ऊपर हमने इसकी पहले जो ये वाली थी, इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा गोलाई लगाई गई है। ये गोलाई जो है, ये एक्स्ट्रा गोलाई लगाई गई है। यहाँ आप देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा गोलाई लगाई गई है, आधा इंची, पौन इंची की मोटी गोलाई, पौन इंची मोटी गोलाई, ये एक्स्ट्रा गोलाई लगाई गई है। तो आप क्वालिटी देख सकते हो कि कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है क्वालिटी में। और ये जो डोर है, ये डबल पल्ले का डोर है, यानी ये मेन डोर है, मेन एंट्री डोर है। इसकी लंबाई मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, 8 फुट, यानी 3 इंच कम है 8 फुट से, 8 फुट से 3 इंच कम इसकी हाइट है, और 5 फुट से 3 इंच कम इसकी लेंथ है। यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 57 इंची इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो हाइट है वो 93 इंची इसकी हाइट है, लंबाई है। तो यानी ये मान के चलिए कि ये 8-3 का डोर है, सॉरी 8-5 का डोर है, 8-5 का ये मेन एंट्री डोर है, ये मेन एंट्री डोर है 8-5 का। तो जब ये मेन एंट्री में लगेगा तो लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो जब इसके ऊपर पॉलिश होगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे मिस्त्री साहब जो है विंडो की ठोकाई करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये विंडो तैयार हो रही है, ये विंडो मैं आपको बता दूँ, 6-4 का ये विंडो है, और ये साल में बनाया गया, साल में। एक मिनट आ रहा हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टॉक हमारा, और ये जो लकड़ी हमने अभी नपाई की है इस लकड़ी की, ये आप देखिए, इसकी लकड़ी की मोटाई आप देख सकते हो। ऐसी लकड़ी में ये माल निकाला जाता है, ये आप देख सकते हो। ये लकड़ी हमने अभी, हमने इसको चिरवाना है, इसके फ्रेम बनवाने हैं दरवाजे के। तो इन लकड़ियों में से ये जो मोटाई है इसकी, 70 इंची मोटाई है इस लकड़ी को, आप देख रहे हो, इसकी 70 इंची मोटाई है। अब इस लकड़ी से जो दरवाजे बनेंगे या जो चौखट बनेगी, उसका मज़ा ही अलग है। अब मैं आपको लकड़ी की क्वालिटी दिखाता हूँ कि लकड़ी कैसी कैसी होती है। ये 70 इंची लकड़ी है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये भी सागवान है, यहाँ पर आप देखिए, ये भी सागवान है, लेकिन ये कितनी गोलाई का माल है, ये 1 फुट 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट गोलाई का माल है। अब इसमें अगर हम दरवाज़ों का माल निकालेंगे, यानी अगर हम इसमें फ्रेम निकालते हैं, ये 11 का माल है, 1 फुट 1.5 फुट गोलाई का माल है। अब इसमें फ्रेम निकल जाएगा हमारा आराम से, 5 इंची 6 इंची का, 6 इंची मोटाई का फ्रेम निकल जाएगा, 2 फ्रेम निकल जाएंगे इसमें आराम से। मगर वो क्वालिटी कहाँ आएगी, यहाँ पर ये देखिए, ये 3-11 का माल है, ये है, ये भी सागवान है, ये 3-11 का, लेकिन हमने चूज़ किया ये वाला माल। ये देखिए आप, ये 70 इंची का मतलब हो गया 12×5=60, 12×6=72, 6 फुट गोलाई का माल है, 6 फुट गोलाई का माल है।
तो इस माल का जो है वो अलग ही मज़ा। चलिए, और यहाँ ये सब आपको दिखा देते हैं, ये सब कारखाना फैक्ट्री, ये सब अड्डे लगे हुए हैं दरवाजे बनाने के। यहाँ पर ये कारीगर लेबर, यहाँ पर ये सब आज जो है विंडो बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब विंडो की ठुकाई, यहाँ पर भी विंडो की ठुकाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये ठुकाई चल रही है विंडो 6-3 का साइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब लगा हुआ विंडो। बात कर लेते हैं फाइनल में इस दरवाजे की। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के इस टाइप के दरवाजे बनवाने हैं मेन एंट्री डोर में, या इससे अलग कोई डिज़ाइन बनवाना है, इस डिज़ाइन को, इस गोलाई को आप आराम से ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये गोलाई वाला डिज़ाइन अगर आपको ये बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बाकी क्वालिटी मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जैसा लकड़ी मैंने आपको गोल वहाँ पर दिखाया, ऐसे लकड़ी हम कटवाते हैं। जितना मोटा लकड़ी कटेगा, जितना मोटा, मोटे से मोटा लकड़ी होगा, 6 फीट गोलाई का, 5 फीट गोलाई का, कम से कम 4 फुट गोलाई का लकड़ी, जब ये कटता है तो उसका रेशा एक अलग ही तरह का निकलता है, बहुत अच्छा रेशा निकलता है। तो उसका रेशे जो होते हैं उसका तोड़ ही नहीं होता, क्वालिटी बढ़िया होती है। और ये दोनों तरफ से सेम डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन जो दरवाजे का है वो दोनों तरफ का सेम डिज़ाइन है। मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए दोनों तरफ से सेम डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त डिज़ाइन दोनों तरफ से, क्वालिटी दोनों तरफ से एक जैसी बिल्कुल। ये देखिए आप रेशा, किसी तरह में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हाँ, ऐसा भी नहीं किया गया है कि हाँ जी ये फ्रंट पे आएगा तो इधर इस साइड में हमने बढ़िया लकड़ी लगा दी है, ये आपको बैक साइड में आएगा तो इधर कमज़ोर लकड़ी लगा दो, ऐसा नहीं है। टोटल जो लकड़ी से बनाया गया है वो एक ही है। ये पूरा 1.5 इंची मोटा दिला होता है, ये जो है 1.5 इंची मोटा दिला है, और इसमें जो ऊपर ये गोलाई रखी गई है ये 1 इंची और मान लीजिए पूरा, जब आप गोलाई आके की बैठेगी 2.5 से 3 इंची, दोनों तरफ की 3 इंची बैठ जाएगी ना, हाँ दोनों तरफ की 3 इंची मोटाई आके बैठेगी। तो ये दोनों तरफ फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ एक जैसा डिज़ाइन है। तो चलिए, ये हमारा आपको कैसा लगा दोस्तों प्रोग्राम, ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब, नमस्कार।